तो ये रहा जी वेज हैदराबादी बिरयानी रजवाड़ा स्पेशल दाल मखनी। ऊपर देख रहे हैं कौन सा बटर है, अब बस अपने गेस कर लो कौन सा बटर है। पनीर बटर मसाला मटर मशरूम, ये एक ऐसा आइटम है जो कि कोई भी शादी इसके बिना पूरी नहीं होती है। शाही पनीर इस रॉन के चाप, लुक एट द कलर गाइस। कड़ी पकौड़ा है एंड दिस वन इज मिक्स वेज। अमृतसरी चना मसाला, आज मन्नी तेरी है ऐसे। सरसों का साग भी है भाई, क्योंकि सीज़न ही ऐसा है कि सरसों का साग तो चाहिए ही चाहिए भाई। आलू गोभी, भाई आइटम ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। एंड दिस वन इज दाल तड़का, सिंपल एंड बेस्ट, जो कि हर कोई लेता है। स्टफ गुलाब जामुन है इसके अंदर, ओए होए गोलू ही गोलू आ गए, परफेक्ट। मूंग दाल का हलवा है देसी घी में बना हुआ, गाजर का हलवा है, रसमलाई, फ्रूट क्रीम जो माय फेवरेट, रोज खीर, वाओ माय फेवरेट टू। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। तो भाई शादियों का सीजन है और यार शादी ना करे तो क्या फायदा। तो भाई साहब आज मैंने ढूंढ लिया है मेरा फेवरेट बैंकेट हॉल, जहां पर मैं करने वाला हूं अपनी वेडिंग रिसेप्शन। वो मैं आपको दिखाऊंगा आज कि वहां पे क्या क्या वैरायटी होगी और कैसा रहेगा टेस्ट, क्या प्राइसिंग है, सबको दिखाएंगे। सबसे पहले अंदर चलते हैं, और भूख बहुत लग रही है, शादी के किसी की शादी में है, खाना तो खाएंगे ना यार। आ जाओ वेलकम टू द रजवाड़ा पैलेस। तो ये देख भाई, ये है वो जगह रजवाड़ा पैलेस जीटी करनाल रोड पे, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है अपनी वेडिंग रिसेप्शन के लिए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया एक फाइव स्टार लुक आ रही है जैसे कहते हैं। फूड की वैरायटी बहुत बढ़िया है, फूड क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा, कैसा टेस्ट है वो भी दिखाऊंगा, प्राइसिंग क्या है वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। पहले भूख बहुत लग रही है, पहले चलते हैं हम चाट सेक्शन में और दिखाते हैं कि चाट में क्या क्या है। चलिए तो भाई चाट से पहले स्टार्ट करते हैं, और मैंने गोलगप्पा ले लिया अपना, और ये गया जी पानी। ओए शादी में आके पहले गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या फ़ायदा। ये भी यार लिख लेना कि मेरे रिसेप्शन में पहला गोलगप्पा ज़रूर होगा। तो ये देखो जनाब, दही बल्ले लग रहे हैं, दही बल्ले पापड़ी, क्या बात है भाई। शादी में आने का ना यही एक बेस्ट तरीका होता है, यही एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कि हम यहाँ पर अनलिमिटेड खा सकते हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा, वैरायटी आप देखते रह जाओगे, हैरान हो जाओगे। मेन कोर्स में लाइन लगी पड़ी है, स्नैक्स में भी इवन। तो ये तो सिर्फ चाट काउंटर्स हैं अभी। ओए होए आगे देखते हैं, बनी आगे क्या है। ये देख भाई पूरा सेटअप है, आप देख सकते हो कि बढ़िया से बना रखा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप आराम से खड़े होकर खा सकते हो यहाँ पे। ये बन रहे हमारे को, ये है कुलिया की चाट, ये कुलिया की चाट है, ये स्पेशली पुरानी दिल्ली की है, चावड़ी बाजार में बहुत फेमस है ये कुलिया की चाट। फ्रूट के अंदर अनार डाल रखे हैं। देखो ये, देखो भाई ये लच्छा टोकरी है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये बनने दो। ये बन रही है भैया गर्मा गर्म क्रिस्पी टिक्की। भैया एक टिक्की लगाना, हरी चटनी कम डालना भाई। ये देख रहा भाई प्योर देसी घी, क्या ये देसी घी, क्या बात है भाई, पुरानी दिल्ली की याद आ गई भाई। और ये बन रहा है चीला, पनीर चीला। ओए होए होए भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी की कमी नहीं है इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 उधर 8 9 और वो कॉफ़ी 10 चाट लगे हुए हैं, और अभी स्नैक्स अलग है, मेन कोर्स अलग है, डेजर्ट अलग है, क्या बात है। ये देख भाई ये देख, फोकस ऑन दिस फूड, परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या पसंद करता मनी तू जब शादी में जाता था? मेरे को तो सब सीरियसली पहले सबसे पहले गोलगप्पे और टिक्की। देख भाई अगर आप जाओगे ना किसी बैंकेट पे, तो यहाँ पर ऐसी जगहों पे ना प्लास्टिक के होते हैं, अरे लोहे का है। ये देख भाई क्रिस्पी स्टील का है, आई मीन मज़ा आ गया। तो ये रहे हमारे मैनेजर भाई साहब। ये पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो शाही दावत लगी हुई है, इसको देख के तो भाई मेरे को घबराहट हो रही है, इसका रेट कितना है? नहीं सर, रेट की बराबर मत कीजिएगा, जो
जो हमारी फैसिलिटीज़ है, जो हमारा मेन्यू है, ये आपका बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होगा, फाइव स्टार को मैच करेगा। क्या लेकिन बात जो रेट है वो आप मेरे ऑफिस में मेरे कार्ड पे लेकर देख सकते हो भाई। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो कि पर प्लेट क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये वाले जो हॉल है इसमें टोटल कितने बंदे आ जाते हैं? 500 का फंक्शन होता है। और अगर मान लो मेरी शादी में 1500 आ रहे हैं तो 1000 गैदरिंग है तो ये सेम हॉल दूसरा पार्टीशन खुल जाता है। अरे वाह। अच्छा, और अगर 1500 हो तो? और 1500 तो हमारे पास लॉन है। लॉन भी है? हाँ, लॉन भी है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्वेट ऑन दिस पैलेस रजवाड़ा। क्या बात है, रजवाड़ा पैलेस GT करनाल रोड पे। अगर आपको 1500 लोगों की भी पार्टी करनी है, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइस। आप ओपन स्पेस आल्सो, मतलब आपको फार्महाउस की फीलिंग भी मिलेगी उसको। एक बार देख सकते हैं? हाँ, प्लीज। और दूसरा हॉल भी एक बार देख लेते हैं। आइए प्लीज। तो ये देखो, इसी की बैक साइड पे आपको पूरा लॉन दिखेगा। भाई लॉन तो बहुत बड़ा है यार, मतलब 1500 बंदे आराम से सेट हैं यहां पे। आराम से हो सकते हैं, हजार के अंदर जाते हैं दो हॉल के अंदर। हां, तो इधर का डेकोरेशन भी बड़ा बढ़िया तरीका। हां, एज पर जैसे फंक्शन होता है उसी के हिसाब से भी डेकोर होता है। हां, एज पर रिक्वायरमेंट। शादी है तो शादी के हिसाब से ग्रेस बन जाता है भाई साहब। मतलब ओपन में दिन में तो मजा ही अलग है यहां का है भाई। क्या बात है, इवेंट जो भी जिस तरह का भी इवेंट करना चाहेंगे कोई दिक्कत। तो फिर अब एक बार दूसरा देखें जरा हॉल, पता चल जाएगा। चलो, तो ये देखो भाई, ये रहा इनका सेकंड हॉल जो ये बोल रहे थे। जैसे 500 और 500 पीछे लॉन है, 1500 लोग की गैदरिंग है। मनी आ जा, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रही है कि सेम लग रहा है यार। अच्छा, डिज़ाइन इज सेम भाई। आ जाओ भाई, ये देखो। ओए होए होए भाई, ये तो दूसरा हॉल पूरा देख लो, दोनों कनेक्ट हो गए भाई। मतलब 500 बंदे उस तरफ, 500 बंदे इस तरफ और 500 बंदे पीछे लॉन में। तो भाई 1500 लोगों तक का आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको फंक्शन करना है GT करनाल रोड में, आप नॉर्थ दिल्ली में आसपास कहीं भी रहते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइस। अगर आपको बहुत बड़ी गैदरिंग करनी है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो कि पर प्लेट का हिसाब किताब है। और तो और मैं जा रहा हूँ भाई शादी वाला खाना खाने के लिए। शादी में मैं तो खाना खाए बिना तो नहीं जाऊँगा यार। चले, मन नहीं, भूख लग रही है यार बहुत, इतना सारा खाना देखने के बाद पेट बहुत भर गया। चले, आ जा भाई। तो ये देखो भाई, ये है वेराइटी हमारे स्नैक्स की। स्पेशली ये है हमारे मशरूम है, ड्राई मशरूम, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड दिस वन इज सोया चाप, दिस इज पनीर टिक्का मशरूम, तंदूरी मशरूम सर, मलाई पनीर टिक्का। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा तो पनीर खा के। सीरियसली, सो लुक एट दिस गाइस भाई, कोई है कोई दीवाना जिसको शादी में सबसे पहले इसी पे ही। ओ वाओ, This is again sir, high spring rolls. High spring roll. This is the base rolls sir, pastry veg rolls. This is the money bag. Oh wow. Yeah, you can try this. And this one is? This is quesadilla. Obviously. मतलब आपको स्टार्टर्स की ना कमी नहीं मिलेगी, स्टार्टर्स बहुत है। वेज में भी कितने ऑप्शंस हैं? ब्रोकली की शमी है, तंदूरी ब्रोकली है, अच्छी आलू, इस तरह का भरवा आलू टाइप टाकोस, अरे वाह टाकोस है। एंड दिस वन इज ज़ाफ़रानी पनीर टिक्का, क्या बात है। एंड द लास्ट वन इज मशरूम की गलौटी। तो भाई वैरायटी बहुत है सर, मतलब ये बात हो, इतना सारी वैरायटी बना कैसे लेते हो यार? मतलब सीरियसली मुझे तो नाम याद नहीं है। अभी तो और भी है, अभी और भी है इसके अलावा। क्या बात है। तो भैया जब तक मैं ये ख़त्म करता हूँ, आप 2 मिनट के लिए ब्रेक लो, उसके बाद आपको मेन को दिखाएंगे भाई। कैसा लग रहा है? अमेजिंग डेट है भाई, मज़ा आ गया। तो भाई स्नैक्स के बाद बनते हैं फ्रूट्स खाने, क्योंकि खाने से पहले ना फ्रूट चाट अगर हो जाए तो भाई मज़ा आ गया। वैरायटी देखो, फ्रूट चाट की भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले इतना प्यारा लगा हुआ है, मुझे इनका डिज़ाइन डिस्प्ले करना वो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। तो लुक आती है पूरी 5-star होटल की, जैसे कि आप किसी 5-star होटल का बुफे खा रहे हो ऐसा लग रहा है पूरा। ओहो भाई साहब, तरबूज, एप्पल, क्या क्या है, कीवी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भाई 14 वेराइटीज़ ऑफ सैलड है यहाँ पे। आप सोचो कि अगर 14 तरीके की सैलड है तो फिर मेन कोर्स में और क्या क्या होगा। आजा मनी, आगे आजा, आगे आजा। तो ये देखो भाई, सबसे पहले सम चाइनीज़ फ्राइड राइस, वाओ। एंड दिस वन इज़ वेज मंचूरियन, ओए भाई काफ़ी गर्म लग रहा है। एंड दिस वन इज़ वेज हाका नूडल्स,
ग्रेट। एंड ये कुछ स्पेशल ये कुछ स्पेशल डेजर्ट है, लाइक दिस वन इज कोकोनट छेना पाए, केसर रसमलाई, शाही टुकड़ा, केसर मटर एंड दिस वन कोकोनट रसमलाई, वाओ। एंड दिस वन इज बीटरूट हलवा एंड दिस वन इज गाजर का हलवा, भाई मन्नी, और वो सीताफल का हलवा। तूने कभी खाया सीताफल का हलवा? सीताफल का हलवा भी आ गया, लोग सीताफल कहते हैं, सीताफल सीताफल। चला के मेन कोर्स दिखाता था। तो ये रहा जी वेज हैदराबादी बिरयानी, लुक एट दिस भाई, वेज हैदराबादी बिरयानी है एंड दिस वन इज रजवाड़ा स्पेशल दाल मखनी। ओए हो, अब ऊपर देख रहे हो कौन सा बटर है, अब बस अपने गेस कर लो कौन सा बटर है, पनीर बटर मसाला। वाह वाह वाह, आज आज नहीं भाई, एक्चुअली लास्ट से पहले मारी थी, लोग बोल रहे थे कि प्रेजेंटेशन खराब कर दी, तो आप ऐसे ही देखो प्रेजेंटेशन कैसी है। एंड दिस वन इज मटर मशरूम। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि वैरायटी की कमी नहीं है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आप कि वैरायटी की कमी नहीं जो बता रहा हूँ मैं। देख लाइन देख कितनी पूरी लंबी है, अभी और भी कुछ है, शाही पनीर है, ये एक ऐसा आइटम है जो कि कोई भी शादी इसके बिना पूरी नहीं होती है, शाही पनीर। एंड दिस वन इज रौन के चाप, लुक एट द कलर गाइस, मसाले का कलर देखो क्या बढ़िया लग रहा है, ऊपर से रोगन डाल रखा है, जीरा राइस है, मैं तो थक जाऊँगा बोल बोल के, कड़ी पकौड़ा है, वाओ। एंड दिस वन इज मिक्स वेज, पनीर तो सारा डाल रखा है भाई, अमृतसरी चना मसाला, आज मन्नी तेरी है ऐसे। ब्रेड्स है, जो जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे ये मक्की की रोटी भी है इसके अंदर, क्योंकि सरसों का साग भी है भाई, क्योंकि सीज़न ही ऐसा है कि सरसों का साग तो चाहिए ही चाहिए भाई। ये तो मैं खर्ची मारूंगी मारूंगा, ये देख भाई देसी घी, आदत से मजबूर गाइस, अब आप जो मर्जी बोल लो, लुक एट दिस। ये देखिए वाइट बटर है एंड गुड है, और ये आ गया जी आलू गोभी, ओ भाई आइटम ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। एंड दिस वन इज दाल तड़का, सिंपल एंड बेस्ट, जो कि हर कोई लेता है, और गर्मा गर्म मिलेंगे आपको फुलके। अब मुझे लग रही है भूख, अब ज़रा एक बार देख लेते हैं कि डेजर्ट में क्या है जो कि हर कोई खाएगा, वो है ये जलेबी, अभी बनी नहीं है, जलेबी बनेगी, स्टफ गुलाब जामुन है इसके अंदर, ओए होए गोलू ही गोलू आ गए, मूंग दाल का हलवा है देसी घी में बना हुआ, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है। आप टैग करो उस दोस्त को जो काफ़ी फेमस, मतलब फेमस क्या बोलूँ, वो दोस्त काफ़ी फेमस है शादियों में खाना खाने के लिए, गाजर का हलवा है, दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया। एंड दिस वन इज़ रस मलाई, और ये है हमारी फ्रूट क्रीम, जो कि बहुत ही कम शादियों में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रूट क्रीम। मैं आपको बता दूं फ्रूट क्रीम दिल्ली के अंदर आपको खानी है ना तो आप दरियागंज जाना पड़ेगा आपको। और दिस वन इज़ माय फेवरेट रोज़ खीर, वाओ माय फेवरेट टू। तो भैया अब ऐसा है, मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको, अब मुझे लग रही है भूख और मैं खाऊँगा।
शाही खाने की थाली मेरे पास आ चुकी है जो कि मैंने लगाई है अपने आप, बढ़िया सी। अब ये देख सकते हो भाई, शाही पनीर है और ये देखो भाई दाल है, सोया चाप है, मटर मशरूम है, ये रहा सोया चाप, हैदराबादी वेज बिरयानी है, कड़ी पकौड़ा है, लच्छा पराठा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसी चीज़ से जिसके बिना शादी अधूरी है, वो भी है शाही पनीर। और शाही शादी में आए हैं भाई बन्नी, ये तो तय हो गया कि भैया करण दुआ की जो वेडिंग रिसेप्शन है वो रजवाड़ा में ही हो रही है, क्योंकि 1500 बंदे का यहाँ पर अरेंजमेंट आराम से हो जाएगा। दोनों हॉल्स आपने देख चुके हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बुकिंग करा सकते हो या आकर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली में लगता कैसे है। ये आप देख सकते हो, कॉल करो इनसे, पूछो कि नेक्स्ट फंक्शन कब है, क्योंकि फंक्शन में आके जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि डेकोरेशन क्या होती है। खाली तो जितना मर्जी आप बड़ा देख लो पता नहीं आएगा, पर फंक्शन में आके देखना चाहिए हमेशा। भाई शादी में ना खाना एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को सालों साल याद रहता है कि यार तेरी शादी में खाना बहुत बढ़िया था। तो मैं सबके मुंह से यही सुनना चाहता हूँ, इसीलिए देख परख के ये डिसीजन लेना चाहिए कि शादी करें तो कहाँ करें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर लो कि पर प्लेट क्या है, या खुद आके यहाँ पर देख लो कि कैसा डेकोरेशन है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। मिलता हूँ आपको जल्दी से नई वीडियो में नई जगह पे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरी शादी की रिसेप्शन पे आना भूलना मत। और ये दिख गया इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, और ये रहा मनमीत का, इसको भी फॉलो कर लो यार, बहुत रो रहा आज के लिए। मिलता हूँ भाई जल्दी से अपनी शादी की रिसेप्शन पे वीडियो लाइव के साथ। थैंक यू सो मच।